वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी अब तक नहीं सुलझी है, लेकिन इस केस में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब ईडी ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल ईडी को इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग का शक है। ऐसे में एजेंसी ने बिहार पुलिस को पत्र लिखकर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में दर्ज एफआईआर की कॉपी मांगी है। इसके बाद पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े नए अपडेट्स। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने 25 जुलाई को पटना में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने इन सभी लोगों को सुशांत की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया, साथ ही आरोप लगाया कि रिया और अन्य आरोपियों ने सुशांत के पैसे ऐंठ लिए हैं। गौरतलब है कि 34 साल के सुशांत ने 14 जून को मुंबई में बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में आत्महत्या कर ली थी। सुशांत के पिता का आरोप है कि सुशांत के बैंक अकाउंट में 15 करोड़ रुपए थे जो किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। ये खाता किसका है अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। सुशांत के पिता ने रिया पर सुशांत को दवाई का ओवरडोज देने का भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बातचीत के दौरान रिया ने उनसे झूठ बोला था और कहा था कि सुशांत को डेंगू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी इस बात की जांच करेगा कि क्या राजपूत का धन अवैध तरीके से छीना गया है। ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए एफआईआर का एनालिसिस किया जाएगा। इस बीच सुशांत का अकाउंट्स देखने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप श्रीधर का दावा है कि सुशांत के पास पैसे नहीं थे। रिया की मां ने उन्हें 33,000 रुपए दिए थे। रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से एक भी पैसा नहीं दिया गया। बता दें कि संदीप करीब एक साल से सुशांत के साथ काम कर रहे थे। इंडिया टुडे से बातचीत के दौरान संदीप ने कहा कि सुशांत के बैंक अकाउंट से रिया या उसके घर वालों को एक भी पैसे का ट्रांजेक्शन नहीं किया गया। सीए संदीप श्रीधर का दावा है कि रिया के अकाउंट में सुशांत के अकाउंट से महज कुछ हजार रुपए ही ट्रांसफर किए गए थे, कोई बड़ा अमाउंट ट्रांसफर नहीं हुआ। एक बार रिया की मां ने उन्हें 33,000 रुपए दिए थे। सुशांत एक बड़े फिल्म स्टार थे और उनके खर्चे भी थे, उन्हें अपनी लाइफस्टाइल को भी मेंटेन करना था। रिया और सुशांत एक साथ ही ट्रेवल करते थे और यह उनकी इच्छा के मुताबिक होता था। श्रीधर का यह भी कहना है कि सुशांत शॉपिंग और घर के किराए समेत अन्य जरूरतों के लिए पैसे खर्च करते थे। उनकी कमाई इतनी नहीं थी जितना दावा किया जा रहा है। पिछले एक साल से सुशांत सिंह राजपूत की इनकम काफी कम हो गई थी। इस रिपोर्ट में हमने आपको सुशांत सिंह राजपूत केस के अब तक के अपडेट से रूबरू कराया, साथ ही ये भी बताया कि ईडी ने इस मामले में जांच क्यों शुरू कर दी और सुशांत के सीए ने क्या दावा किया है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे बहुत बड़ा राज छिपा है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बॉलीवुड की हर खबर से रूबरू होने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।